एंड लेक्चर अपडेट्स और उसके साथ साथ छोटा मोटा ज्ञान जो मैं आपको देती रहती हूँ डाउन टू अर्थ मैगजीन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस बार का ऐसे पेपर भी आपने देख लिया होगा हाउ इम्पोर्टेंट दिस मैगजीन इज फॉर रास एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का इम्पोर्टेंस यूपीएससी में बढ़ता जा रहा है कल एटीन सेप्टेम्बर को स्पेशल क्लास पे टेस्ट होगा एम का सो डू अटेंड हम प्रीवियस इस क्वेश्चन ही ऑल दो उस टेस्ट में दूंगी सिर्फ पुराने क्वेश्चन लेकिन इस क्लास का खासियत है एक्सप्लेनेशन कि मैं हर एक आंसर को एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से सो दैट आपको वापस वो कभी भूले ना और रिफर्स इंजीनियरिंग के तरीके से आप उसको पढ़ पाएं तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं पैंथरा की टाइगर पैंथेरा टिग्रिस देखिये कभी भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं ऑल दो तो यहाँ पे मिसिंग है या तो हम उसको अंडरलाइन करके लिखते हैं या फिर हम उसको इटालिक्स में लिखते हैं सो यू शुड अंडरलाइन दिस और ओके दिस शुड बी स्मॉल पैंथेरा tigris how it should be written the species name is written with a small letter tiger panthera tigris science ye iska scientific name ho gaya size hai iska 75 to 300 kg status hai endangered aur ye jo genus hai kis genus ki main yahan pe baat kar rahi hu panthera genus ki baat kar rahi hu wild cats ka ye jo genus hai Basically uh, यहाँ पे आपको जैसे अगर चीता की भी हम बात करें ये पैंथरा से ही बिलोंग करता है ये रोर uh, roar नहीं कर सकता सॉरी रोर कर सकता है ओके okay, पे जिस जीनस की मैं बात कर रही हूं, पैंथरा ये जो वाइल्ड कैट है अगर टाइगर की बात करें दे कैन रोर ये गुर्रा सकते हैं रोर कर सकते हैं बट दे के नॉट पर जैसे बिल्ली आवाज निकालती है वैसी आवाज सॉफ्ट आवाज नहीं निकाल सकते अब इस पैंथेरा में लायन लेपर्ड जैगुआर ये सब आते हैं और लायन लेपर्ड जैगुआर जो तीन बिग कैट्स हैं ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं बाकी टाइगर और स्नो लेपर्ड अलग थोड़ी कैटेगरी में आ जाती हैं दे स्टैंड डिफरेंटली बट क्लोजली रिलेटेड लाइन लेपर्ड एंड जैगवार अब स्नो लेपर्ड का नाम भी आपने सुना होगा लद्दाख में पाया जाता है वो एक एक्सेप्शन है रेस्ट ऑफ द ग्रुप में बिकॉज वो रोर नहीं कर सकता वो लाइन की तरह टाइगर की तरह रोर नहीं करता है अब जिम Corbett क्या बोलते हैं कि लार्ज हार्टेड जेंटलमैन विद बाउंडलेस करेज ये चीज इन्होंने टाइगर के लिए यूज किया है लार्जेस्ट ऑफ द वाइल्ड कैट्स एंड ऑल्सो द अर्लीस्ट पैंथरा मेंबर टू एग्जिस्ट सबसे पहला पैंथरा मेंबर है जो एग्जिस्ट करता है प्राइमली अगर आप देखेंगे साइबेरियन के जंगलों से टाइगा के जंगलों से सुंदरबैन डेल्टा तक के पाया जाता है इंडिया का नेशनल एनिमल तो है ही है इसके साथ साथ बांग्लादेश मलेशिया साउथ कोरिया का भी है और टाइगर को आ, वन ऑफ द फेवरेट एनिमल का वोट मिला था डॉग के बाद 2004 में किसके द्वारा ये सर्वे किया गया था ऑनलाइन पोल था एनिमल प्लान ग्लोबल ऑनलाइन पोल के द्वारा नेक्स्ट इज योर लायन दिस इज पैंथेरा लियो एल शुड बी स्मॉल एंड दीज शुड बी अंडरलाइन तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि साइंटिफिक चीजें कैसे लिखी जाती है साइंस साइज इज हंड्रेड टू टू फिफ्टी के जी स्टेटस क्या है इसका आयुसन स्टेटस इज वनरेबल अब बेसिकली जो लायंस हैं ये कहां में ओरिजिनली पाए जाते हैं अफ्रीका और एशिया के नेटिव्स हैं लायन सबसे ज्यादा सोशल है सोशल कैट इसको कहा जाता है क्योंकि ग्रुप्स में रहते हैं और इनके ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं प्राइड्स कहा जाता है ओपन फॉरेस्ट को ये प्रेफर करते हैं खुले जंगलों को स्क्रब लैंड को अब जो एडल्ट मेल्स यहाँ पे रहते हैं दे हैव अ प्रोमिनेंट मेन इन द प्राइड ग्रुप में इनका काफी डोमिनेटिंग रोल रहता है तो यहाँ पे जो लिखा है प्रोमिनेंट मेन तो प्रोमिनेंट मेन ये जो हेयर आप ऐसे देख रहे हैं तो बहुत प्रोमिनेंट लाइन में आपको ये दिखेंगे अब लायन आगे अगर आप देखेंगे आ, सिंबल रहा है ह्यूमन कल्चर में बहुत जगह इसको यूज किया गया है जैसे चाहे आप अशोका पिलर देख लीजिए सारनाथ में आ, एंट्रेंस बकिंगम पैलेस का देख लीजिए तो आपको बहुत हिस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट जगहों पे लायन एक इम्पॉर्टेंट सिंबल दिखेगा इसके बाद हम बात करते हैं जागुआर की ओंका अगेन शुड शुड बी बी इट अंडरलाइन साइज है वेट इसका टू टेन के जी स्टेटस है नियर थ्रेटेड तो स्टेटस इसका नियर थ्रेटेड है लार्जेस्ट कैट है ये अमेरिकाज में अमेरिकाज जितने भी है आपके साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की बात करें कॉन्टिनेंट की बात करें तो जागुआर जो है वहां पे लार्जेस्ट कैट है स्ट्रोंगेस्ट बाइट जागुआर की मानी जाती है अगर किसी को काट दे तो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट सारी कैट्स में से स्ट्रोंगेस्ट बाइट इसकी रहती है इनफैक्ट जो इसका शिकार रहता है उसके स्कल के बीच से ही उसको बाइट कर लेता है डायरेक्टली इसकी बाइट उसके स्कल के थ्रू चली जाती है आपको ब्लैक जैगुआर भी मिलेंगे दे आर कॉमन उनको ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है अब बेसिकली पैंथर वर्ड ही यूज किया जाता है लेपर्ड्स के लिए जागवार्स के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है सो ब्लैक पैंथर्स उनको कहा जाएगा जो ब्लैक जागवार्स आपको दिखेंगे और जागवार अगर देखेंगे बहुत ही अगेन पावरफुल सिंबल है मायान इन एस्टेक सिविलाइजेशंस का जगुआर नेक्स्ट इज लेपिड पैंथेरा पाडस पी शुड बी स्मॉल दिस शुड बी अंडरलाइन वेट 30 टू 90 केजी स्टेटस वल्नरेबल है इसका uh, ये काफी ज्यादा अगर आप देखेंगे ना लेपिड बहुत ज्यादा जगुआर जैसा ही है दिखने में पैटर्न्ड कोट इसका उसी तरह से पैटर्न रहता है पूरा और बहुत ही सुंदर दिखता है अगर आप लेपेड को देखेंगे ब्यूटीफुल फॉल एनिमल्स जितनी भी बिग कैट्स हैं काफी ग्रेसफुल मूवमेंट इसकी रहती है बाकी कैट्स के कंपैरेटिवली कंपेरिटिवलीबल भी है बहुत ज्यादा जल्दी अडेप्ट हो जाता है काफी डाइवर्स हैबिटेट्स बहुत अलग अलग जगह पे पाया जाता है रह लेता है इजिली आप देखेंगे डाइवर्स हैबिटेट्स हैं इसके ब्लैक जैगोर की तरह ही आपको ब्लैक लेपिड्स भी देखने को मिलते हैं उनको भी हम ब्लैक पैंथर्स बोलते हैं अफ्रीकन कल्चर्स में लेपिड्स को बेटर हंटर भी कहा जाता है इनके कल्चरल हिस्ट्री अगर आप देखेंगे माना जाता है लायन से ज्यादा अच्छा शिकार करता है लेपिड वेट देखिएबल इसको देख सकते हैं आपको ऐसा लगेगा इट्स अग कैट जैसे छोटी बिल्ली रहती है आपकी ऑल गो एवरी वन एवरी एनिमल वी आर डिस्कसिंग इज अग कैट बट इट विल एक्चुअली लुक लाइक अ बिग कैट ऑल्सो अब इसको गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी कहा जाता है क्योंकि इसको लोकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने सराउंडिंग्स में इसका कलर इतना अच्छा कैमोफ्लाज होता है कि आप इसको पहचान नहीं पाते स्मोकी ग्रे कैट है ये स्नो uh, लाइन से ऊपर आपको मिलेगी लद्दाख सेंट्रल साउथ एशिया वाले रीजन में अब ये एक एक्सेप्शन था मैंने आपको कहा था ना बाकी सारे रोर करते हैं दे और रोर बट ये रोर नहीं कर सकता स्नो लेपिड टाइगर के लिए तरह या लाइन की तरह ऐसे घुर्रा नहीं सकता और लॉन्गेस्ट टेल इसकी अगर आप देखिए इसकी टेल भी काफी लंबी है अगर इसको आगे पीछे लपेट लेगा तो ठंड से भी बचेगा और इसका बैलेंस बना के रखने में भी इसकी टेल काम आती है ड्यूरिंग द हंटिंग सो स्टेट एनिमल है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का देखिए इस तरह की पिक्चर्स पीछे चली थी बहुत ना कि ढूंढिए यहाँ पे आपको कहीं लेपर्ड नजर आ रहा है क्योंकि देखिए कितना अच्छा केमोफ्लैच ये करता है अपने सराउंडिंग्स के साथ कि इसको पहचान नहीं पाते नेक्स्ट इज या प्यूमा कूगा कॉन कलर साइज फोर्टी टू हंड्रेड केजीस लीस्ट कंसर क्योंकि पॉपुलेशन काफी स्टेबल है सेकेंड लार्जेस्ट कैट है अमेरिका लार्जेस्ट है सर्दर्न एंडिस और कॉर्न कलर का मतलब है एक जैसा कलर होना पूरी बॉडी में लास्ट हम अपना फेवरेट गेस्ट के बारे में पढ़ते हैं जो आज ही इंडिया में पहुंचे हैं आपको मालूम ही है दे आर फाइव फीमेल्स एंड थ्री मेल, जी 20 तो 70 केजी, और इंडिया से तो लोकली, आप कह सकते हैं ही हो चुके थे 1952 में इससे पहले मैंने डिटेल्ड इनका जो विजिट इंडिया में हुआ है उस पर डिटेल्ड है उसमें ऑल्दो मैंने कहा था कि जयपुर एयरपोर्ट पे आने वाले बट लास्ट मोमेंट में इन्होंने कुछ चेंज करके उनको ग्वालियर एयरपोर्ट पे आप देखेंगे उतारा है राधा दिन जयपुर जो है इस वीडियो के कमेंट में मैंने पिन करवा दिया है चीता का नाम कहाँ से आया ओरिजिनेट हुआ संस्कृत वर्ड चित्राक से विच मीन स्पॉटेड वन क्योंकि स्पॉट इसकी बॉडी पे आपको मिलेंगे जीनस एसिनोनिक्स यूनिक जीनस है कैट फैमिली के बीच में क्योंकि इस जीनस का यही एनिमल अब है चीता फास्टेस्ट लैंड मैमल है और ये जो कैट है इसके रिट्रैक्टेबल क्लॉज़ होते हैं जो इसकी ग्रिप तेज करने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और उस वजह से बहुत तेज भागता भी है अब यहां पे मैं आपको एक आईएएस ऑफिसर के बारे में बताना चाहूंगी एमके रंजीत सिंह जी हैं जिन्होंने चीता चीता के लिए शुरू से जंग लड़ी कि इनको इंडिया में फिर से वापस लाया जाए एमपी काडर के आईएएस हैं अफसर हैं देश में पहला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जो बना हमारे कंजर्वेशन के कानून बने कंजर्वेशन के उनमें इनकी बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका जो है वो रही है भारत और ईरान सरकार के बीच में 1973 से जो एग्रीमेंट हुए ड्राफ्ट एग्रीमेंट साइन हुए उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहा अब ये काफी समय से कोशिश कर रहे थे कि चीता को वापिस लाया जाए लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देता था कभी ईरान से लाने की बात हो रही थी तो ईरान में खुद के जो चीता है वो कम होने लग गए तो अभी फाइनली जो भी कमेटी बनाई गई है टू में ही सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनली आदेश दे दिया कि भारत में चीतों की वापसी की जाएगी उसको मंजूरी मिल गई तो निगरानी जो कमेटी बनी है वो इन्हीं की निगरानी में बनी है जिनके अध्यक्ष सिंह साहब ही हैं और इन्हीं को उनका अध्यक्ष बनाया गया है अब चीता की हम बात करें तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी क्योंकि लेटेस्ट न्यूज में चीता चीता चल रहा है हमने बाकी बिग कैट्स के बारे में बात की चीते दहाड़ते नहीं है बिल्लियों की तरह घुराते हैं कभी कभी इनकी आवाज अगर आप देखेंगे ये भोंकते भी है जैसे आपको लगेगा कि साम्बडीज बारकिंग तो दो किलोमीटर तक आवाज ही सुन लेते हैं आठ महीने का होता है चीता जो है खुद अपना शिकार जो है वो करने लग जाता है और बहुत तेज ये भागते अगर आप देखेंगे लास्ट में इसको हम उसे बोल्ट से भी कंपेयर करेंगे कि चीता ज्यादा फास्ट है या यासे बोल्ट ज्यादा फास्ट है चीता के शरीर पे ऑलमोस्ट दो हजार आप देख रहे हैं ना इस तरह के स्पॉट्स स्पॉट्स ये अराउंड होते हैं तीन हफ्ते का बच्चा ही चीते का जो है वो मीट खाना शुरू कर देता है और धार नहीं सकते दिस इज वन ऑफ द फैक्ट एंड चीता तेंदुआ और बाघ में इनमें फर्क क्या है अगर चीता तेंदुआ इज द अपिड एंड बाघ इज द टाइगर इन तीनों में आपको क्या फर्क देखने में आपको क्या फर्क मिलेगा तो पहले तो आप कोट को देखिए कोट में ही आपको फर्क मिल जाएगा देखिए दिस इज स्पॉटेड ये चीते का कोट इज वेरी डिफरेंट पूंछ भी इसकी एकदम स्ट्रेट मिलेगी आपको स्किन पे ब्लैक स्पॉट मिलेंगे गोल स्पॉट स्पॉट गोल्स मिलेंगे आपको बिंदी के जैसे ऐसे ऐसे गोल गोल दिखेंगे चेहरा चीते का छोटा होता है इसका बहुत लंबा चेहरा नहीं होता और आंखों के पास में ऐसे गहरे काले रंग के लाइंस आपको ये ये जो लाइन है है ना ये लाइन आपको इस तरह की काली लाइंस जो है वो नजर आएंगी अब तेंदुआ इसका तो पहले आप कोट ही देख लीजिए इसका थोड़ा सा बटरफ्लाई पंखुड़ियों या जैसे फूल के पत पंखुड़ियां होती हैं उस जैसे आपको स्पॉट्स दिखेंगे तो ये पूरे बिंदी के जैसे नहीं है यूल सिर्फ पंखुड़ियों जैसे स्पॉट्स आपको नजर आएंगे पूंछ मोटे ट्यूब जैसी होती है पूंछ देखिए इज ऑल्सो डिफरेंट चेहरा इसका बड़ा है चीता से आप कंपेयर करेंगे इसका चेहरा आपको बड़ा नजर आएगा और वो ब्लैक लाइन भी आपको तेंदुए में नजर नहीं आएगी और टाइगर को तो आप एकदम सब पहचान लेंगे स्पॉटिंग्स नहीं लाइंस धाराएं दिखेंगी आपके येलो और ब्लैक येलो शीट पे आपको ब्लैक कलर की ये धाराएं नजर आएंगी तो जिस जिस तरह से हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं उसी तरह से हर टाइगर का कोट जो है वो अलग होता है आकार इसका देखिए वजन भी ज्यादा रहता है और ये पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं तैरना भी आता है टाइगर को सो so, चीता के बाद सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है जैगुआर तो जैगुआर अगर आप देखेंगे चीता के बाद सबसे ज्यादा तेज वही दौड़ता है ये सबकी स्पीड दे रखी है चीता 120 किलोमीटर पर आर जैगुआर 80 किलोमीटर पर आर शेर 80 किलोमीटर पर आर यूरेशियन लिंक्स 80 किलोमीटर ऑलमोस्ट एंड कूगर एट्टी किलोमीटर टाइगर सिक्सटी फोर लैंड स्नो लेपर्ड सिक्सटी क्लाउडेड लेपर्ड सिक्सटी फोर लेपर्ड फिफ्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से ये दौड़ता है और मैंने लास्ट में आपको कहा था कि बोल्ट से इसको कंपेयर करेंगे तो सेंट बोल्ट टू थाउजेंड नाइन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनका रिकॉर्ड रहा है नाइन पॉइंट फाइव एट सेकेंड में उन्होंने तय किया और अगर चीता होता तो वो फाइव पॉइंट नाइन फाइव सेकंड में तय करता हंड्रेड मीटर की दूरी की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ सो so, अब जिस तरह से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया तो आपको मालूम होना चाहिए कूनो को ही क्यों चुना गया क्योंकि कभी ये चीता का हैबिटेट रहा है और आसपास एक विलेज था उसको भी रिहैबिलिटेट करा दिया है लेकिन अभी भी कुछ कंसर्न्स हैं क्योंकि कूनों के आसपास कैटल पॉपुलेशन काफी है तो ह्यूमन चीता कंफ्लिक्ट देखने को मिल सकता है अब इस एरिया में कोई की स्टोन स्पीशीज नहीं है अब इकोलॉजी के लेक्चर्स मेरे लेते तो की स्टोन स्पीशीज आपको बहुत जल्दी इजिली समझ में आ जाता की स्टोन स्पीशीज क्या होते हैं जो एक ईको के बारे में हमको पूरे तरीके से बताते हैं अगर एक एरिया से वहां की की स्टोन स्पीशीज हटा दी जाए तो वहां का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट उस इको सिस्टम पे पड़ता है अब की स्ट्रॉन स्पीशीज की कहा जाता है एलिफेंट्स का बता देती हूँ जैसे की स्टॉन स्पीशीज एक इको एक सिस्टम को पूरी तरीके से मेंटेन करके रखता है अब एलिफेंट्स क्या करते हैं जब चलते हैं उनका पाऊँ कहीं पे पड़ता है वहां गड्ढे बनते हैं गड्ढे बनते उनमें पानी कलेक्ट होता है उसमें बहुत सारे टैडपोल्स सर्वाइव कर सकते हैं राइट अब

इजिली ये प्लान हमारा सक्सेसफुल रहे री इंट्रोडक्शन प्लान ऑफ चीता सो दैट इज इट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली इसमें बाकी आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ आसान बना सकते हैं विदानक अकाडमी बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर हारे हैं बैचेस लेटेस्ट फिफ्टींथ सेप्टेम्बर को शुरू हुआ है यूजर कोड वीरो यूपीएससी मेरी पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं बाकी सब्सक्रिप्शन देखिए अब टेन परसेंट ऑफ है ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा था आपने अवेल नहीं किया सो नाउ यू हैव ऑप्शन है टेन परसेंट ऑफ विद दिस कोड आप अन अकेडमिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी सेम कोड के साथ ले सकते हैं और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं एंड कितने मंथ्स की ले रहे हैं ई का ऑफर भी आपके पास रह, रहता है टेस्ट सीरीज भी चल रही है सो डू गेट एनरोल योर आइकॉनिक दो तरह के कोर्सेज सब्सक्रिप्शन हैं प्लस है आइकॉनिक है आइकॉनिक की स्पेशलिटी है कि आपको लाइव मेंटोरशिप मिलेगी डेली मेन्स आंसर राइटिंग होगा चैट बेस्ड डाउट सॉल्विंग होगी स्टडी बूस्टर सेशन होंगे फिजिकल नोट्स आपको यहां मिले जाएंगे लाइव डाउट सॉल्विंग भी आपके लिए की जाएगी ओके सो अगेन यू कैन यूज सेड और ई एम आई में आपको बता रही हूँ एक साथ आप नहीं देना चाहते तो देन यू कैन जस्ट पे मंथली ऑल्सो जीरो परसेंट इंटरेस्ट डाउट दर बार भी चल रहा है अपने डाउट फ्री में क्लियर कीजिए सो थैंक यू सो मच दिस इज माई अगेन टेलीग्राम चैनल जहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू